जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे चैत्र मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है, तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण कब किया जाएगा, व्रत का पारण किस चीज से किया जाएगा, किस समय किया जाएगा, इस व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए, भगवान को खास करके किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, इस दिन क्या करे क्या ना करे, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है, इसे एकादशी या ग्यारस व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। यदि कोई जीव मृत्यु से पूर्व दुखी है तो इस एकादशी व्रत का फल आप यदि संकल्प करके उनके कान में कह दें तो वह महापापी जीव भी मोक्ष पा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने वाले को, कथा श्रवण करने वाले को जो कि हजारों गौ दान का पुण्य फल प्राप्त होता है, तथा ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को यह पाप मोचनी एकादशी जो कि नष्ट करने वाली है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि दशमी एकादशी और द्वादशी इन तीन दिनों तक व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। इन तीन दिनों में जो कि काश्य पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। मसूर चने मिथ्या भाषण शाक शहद तेल मैथुन द्युत और काम क्रोध आदि का त्याग करना चाहिए। व्रती को दशमी के दिन से नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन और द्वादशी तिथि के दिन इन दोनों दिनों जो कि हवेश्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए। हवेश्यान्न भोजन में जैसे कि जौ गेहूं मूंग सेंधा नमक काली मिर्च शर्करा और गौघृत आदि का जो कि एक बार भोजन दशमी और द्वादशी के दिन जहां तक हो सके करना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन करना चाहिए। दशमी की रात्रि एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके फिर सुबह नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो जो भी कामना हो वह भगवान विष्णु से कहनी चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ जो कि एकादशी के दिन रात्रि उपवास रहते हुए जो उपवास नहीं रह पाए तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और भगवान का जो कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इस दौरान एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान विष्णु के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करनी चाहिए,
भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दिन भगवान का जो कि उत्तम प्रकार के गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके नैवेद्य आदि अर्पित करनी चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल चढ़ाएं और भगवान को जब भी भोग लगाते हैं या पूजन करते हैं तो तुलसी दल अवश्य ही भगवान को अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन खास करके विशेष प्रकार के नैवेद्य में जो कि भगवान विष्णु को पंचामृत अवश्य ही चढ़ानी चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार से करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार व्रत को धारण करके भगवान का पूजन करके एकादशी की रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन करवाएं और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपना मन भगवान विष्णु के चरणों में लगानी चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम का जप करना चाहिए, इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 4 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार शाम 4:15 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को दोपहर 1:29 पे। तो हमें सूर्योदय व्यापनी के अनुसार शुद्ध रूप से जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी 5 अप्रैल को व्रत धारण करेंगे, दसवीं दिन नियम का पालन जो कि 4 अप्रैल को करेंगे और एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को धारण करेंगे और व्रत का पारण जो कि 6 अप्रैल को किया जाएगा। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है, पारण हरिवासर की समाप्ति के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को सुबह 10:20 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण जो किया जाएगा वह 6 अप्रैल शनिवार को सुबह 6:05 से सुबह 8:37 तक व्रत का पारण किया जाएगा। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण जो कि गो घृतेन पारणम यानी कि गाय के दूध के घी से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल जल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:35 से सुबह 5:21 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:45 और सूर्यास्त शाम 6:16। राहु काल का जो समय होगा 5 अप्रैल को वह समय सुबह 10:26 से दोपहर 12:01 तक होगा और 6 अप्रैल को राहु काल सुबह 8:52 से सुबह 10:26 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि धनिष्ठा नक्षत्र शाम 6:07 तक होगा, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र। योग जो कि एकादशी तिथि के दिन साध्य योग होगा सुबह 9:56 तक, उसके बाद शुभ योग होगा। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें, भगवान के नाम का जप करें। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों का नाश कर देते हैं और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तब उनके पुण्य उदित हो पाते हैं, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं
तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।